नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। यूरोप अमेरिका की आंखों में किरकिरी बने चीन पर अब मोदी सरकार ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की तरह चीन पर सीधा एक्शन नहीं लिया है, बल्कि उस पर परोक्ष रूप से एक बड़ा वार किया गया है। यानी चीन को सबक सिखाने के लिए भारत न केवल अमरीकी पाले में जाने का इशारा कर चुका है, बल्कि चीन की एकड़ी निकालने के लिए ठोस कदम भी उठा रहा है। यकीन मानिए, भारत के इस कठोर निर्णय के बाद चीन घुटनों के बल आ गिरेगा। दरअसल कल शाम जब पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया तो उसमें चीन के लिए भी एक बड़ा संदेश छुपा था। मोदी ने फिर से स्वदेशी को अपनाने और देश में बने उत्पादों को खरीदने पर जोर देकर चीन को चेतावनी जारी कर दी है। चीन को आगाह करने के पीछे सिक्किम के नाकुला में उसके द्वारा 9 मई को घुसपैठ और 12 मई को लद्दाख में चीनी सेना द्वारा सीमा के नजदीक उड़ाए गए हवाई जहाज है। पिछले 5 दिनों के भीतर चीन ने LAC पर उकसावे वाली कार्रवाई की कोशिशें की है, जिसके बाद से भारत सरकार ने चीन के खिलाफ सख्ती से पेश आने का फैसला कर लिया है। कुछ विशेषज्ञ चीन के इस आक्रामक व्यवहार के पीछे POK में भारत के आक्रामक व्यवहार से जोड़कर देख रहे हैं। चीन की हरकतें भारत को POK का जवाब भी बताया जा रहा है। चीन की बौखलाहट के पीछे गिलगित से गुजरता उसका चाइना पाक आर्थिक गलियारा है। भारत इस गलियारे पर कई बार आपत्ति जता चुका है और इसे भारत इलाके में चीनी अतिक्रमण बताया है। अमेरिका भी भारत के विरोध का समर्थन करता है। मोदी सरकार ने मौसम के बुलेटिन प्रसारण ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी नींद उड़ा दी है। इसलिए चीन सिक्किम और लद्दाख के उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिन पर वह अपना दावा ठोकता रहा है। परंतु चीन की इससे भी बड़ी परेशानी यह है कि अमेरिका उसके साथ जंग को आमादा है। उसे डर है कि अगर ट्रंप चीन पर एक्शन लेते हैं तो वह बिना भारत के ज्यादा ताकत से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए चीन कहीं ना कहीं भारत को चेतावनी अथवा डराने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन भारत उसकी गिदड़ भभकी में आने वाला नहीं है। उल्टे भारत ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए उसे अप्रत्यक्ष झटका देने की तैयारी कर ली है। पीएम मोदी द्वारा स्वदेशी सामानों को उपयोग में लाने के पीछे भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और चीन की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का मंत्र छुपा है, जिसे समझना और उस पर अमल करना हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। इस बात को इस तरह भी समझ सकते हैं, साल 2017-18 में चीन ने भारत से 18 अरब 84 करोड़ डॉलर का सामान आयात किया, जबकि भारत को उसने 26 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात किया, यानी भारत से दुगने से भी कहीं ज्यादा, जिसमें भारत को 57 अरब डॉलर से कहीं ज्यादा का व्यापारिक घाटा हुआ। वर्ष 2019 में चीन ने 74 अरब 72 करोड़ डॉलर का सामान भारत को बेचा, उसके बदले में मात्र 23 अरब डॉलर का सामान ही खरीदा। इसका मतलब यह है कि चीन भारत से खरीदता कम है और बेचता ज्यादा है। चौंकाने वाली बात यह है कि दिन भर में एक आम भारतीय जो भी सामान अपने लिए प्रयोग में लाता है उसमें 80% सामान चीन से आयात होता है या फिर भारतीय कंपनियां इनको यहां पर बेचती है। इन सामानों में बच्चों के खिलौने, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्टेशनरी का सामान, बैटरी मोबाइल फोन, फुटपाथ पर बिकने वाला सामान, गुब्बारे, बिजली का सामान, फर्नीचर, प्लास्टिक से बना सामान, लौह अयस्क व स्टील, खाद, चश्मे, किचन में प्रयोग होने वाला सामान, केमिकल्स, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इसके अलावा ऐसे बहुत से उत्पाद हैं जिन्होंने भारत के विशाल बाजार पर शिकंजा कस रखा है। खास बात यह है कि भारतीय कंपनियां भी यह सामान बनाती है। भारत में बने इन सामानों की विदेशों में ज्यादा डिमांड है, मगर भारतीय लोग सस्ते और घटिया चीनी सामान की चमक में अंधे हो जाते हैं, जिनकी कोई गारंटी भी नहीं होती। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अपनाने का उद्घोष करके चीन की सप्लाई चेन तोड़ने का परोक्ष ऐलान किया है। यानी चीन की ताकत उसकी अर्थव्यवस्था है, जिसके बल पर वह दुनिया को ध्वस्त देने लायक हुआ है। अगर सच्चे हिंदुस्तानी इस आशय पर अमल करे तो चीन की सारी एकड़ी छू हो जाएगी। वैसे भी 21वीं सदी में प्रत्यक्ष युद्ध की संभावनाएं बहुत कम रह गई है। किसी भी देश की अकड़ निकालने के लिए अर्थव्यवस्थाओं पर वार करने की रणनीति इस्तेमाल में लाई जाती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ ट्रेड वार का श्रीगणेश करके चीन को घुटनों पर ला दिया था, जिसके बाद चीन को अमेरिका से 200 अरब डॉलर का सामान खरीदना जरूरी हो गया है। चीन पर नकेल कसने के लिए ट्रंप और भी कठोर फैसले लेने वाले हैं और संभवतः पीएम मोदी भी ऐसा ही कुछ करने का संकेत दे चुके हैं, मगर इसकी शुरुआत हम हिंदुस्तानियों को ही पहले करनी होगी और यकीनन हम ऐसा करने में सक्षम भी हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।